शुरुआत करते हैं हमारे पैनल के साथ ट्रीट्स लेने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रीट? गुड आफ्टरनून टू यू। आपकी सुबह की एक लाइन मुझे ध्यान है आपकी कमेंट्री में, गैप अप तो खुलेगा और टिक गया तो अच्छा है, तो वाकई में टिक गया। मार्केट में तेजी है, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो ऑटो क्षेत्र से बजाज ऑटो, ट्रेड करा 9794, स्टॉप होगा 30 रुपए, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 9900 के नजर आ रहा है, तो यस बजाज ऑटो पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कॉल हो गई बजाज ऑटो, ये आज एक ऑटो दिवस है याद रखिएगा, एट 9810 ये बाय कॉल है, प्रेली कॉल। मानस आपका ट्रेड? अग्रीन जी देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे मेरा ध्यान है, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, रिकवरी में वापस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, आई थिंक बॉटम बना है और अब यहां से अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक में 1184 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1225 के टारगेट सेट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 1200 वाला कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 25 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक का जो एक दिग्गज काउंटर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो आप 1200 वाला कॉल लेकर चले या फिर 1225 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाए। अच्छा, इस बीच 24500 के पार निकलता हुआ निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है, डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 1.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। एक अच्छा तेजी का मूव आज दिन भर कायम है और पिछले 10 मिनटों में जो स्टॉक्स भागे हैं उसमें अदानी ग्रुप में हम देख रहे हैं आधे आधे परसेंट के और गेंस बढ़ते हुए, ग्रासिम, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेजी में और बड़ा हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब मोमेंटम आता हुआ इसीलिए हम 24500 पर है। तो ऑफकोर्स दिन की ऊंचाइयों पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस तेजी के बीच? गुड आफ्टरनून हर्षदा जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए मेरी नजर है LIC हाउसिंग फाइनेंस पे, थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ, जो चला नहीं है वहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो LIC मुझे लगता है एट लेवल ऑफ 651 इससे बाय, स्टॉप लॉस होगा 641 का और जो स्टॉप लॉस जो टारगेट लगता है मुझे एज ए स्विंग ट्रेडर पहला टारगेट होगा 672 का। अगर वो निकल जाए तो फिर लगता है कि पोजिशनली 710 तक जाएगा, तो LIC लगता है कि करेक्शन ओवर हो चुका है। LIC में करेक्शन ओवर हो चुका है लगता है। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, शानदार तेजी मार्केट में, 24500 के पार हम, बैंक निफ्टी पर 50600, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कंफर्टेबली अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले 4 दिनों के हाई को भी इसने आज कंफर्टेबली क्रॉस किया है, तो टाटा मोटर्स बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1070 एंड टारगेट्स ऑफ 1125। ओके, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1088 पे स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ। आप चलते हैं रुचित के पास। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लीडरशिप के साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि आज लीडरशिप IT स्पेस ने ली है, तो वहीं पे काफी सारे स्टॉक्स है हैवी वेट्स में जहां पे अच्छे स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से HCL टेक मेरी पिक रहेगी। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम किया है, वो भी प्राइस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक ने सरपास किया है, तो HCL टेक में यहाँ से 1630 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1720 के टारगेट्स के लिए। ओके मच मीन वाइल वीरू, अब 24500 क्रॉस हो गया मार्केट में और एक चीज़ जो मैं देख रहा था आज अभी भी उतनी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर्स की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे स्पेशली जो मंथ एंड वाले कॉल राइटर्स हैं, मैं एक बार थोड़ा सा देख रहा था ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, जो मंथ एंड वाले कॉल राइटर्स हैं 22 अगस्त वाली, हाँ 22 और 29 अगस्त वाली, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ 29 अगस्त में 24500 की कॉल में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जो मंथ एंड की कॉल है उनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, करीब करीब 40 लाख। आज अब तक एक भी शेयर वहाँ कवर नहीं हुआ है लेकिन प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर अगले आधे घंटे में आप 24500 की तरफ अगर ये ले जाएं और हो सकता है चले भी जाएं, और जो मार्केट का मूड माहौल मोमेंटम है ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप आज की आज 24600 भी स्क्रीन पे देख लें, क्योंकि अब चलना शुरू है ना। अब स्प्रिंग की तरह आपने इसको बेसिकली मार्केट को दबा के रखा था, अब ये मार्केट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये उसको हो सकता है कि एक बार के लिए 24600 आपको आज ही स्क्रीन पर दिखा दे।
ये पॉसिबल है, और अगले हफ्ते आप छुट्टी पर हैं, हाँ, तो आप मिस करेंगे बड़ा मूव अगले हफ्ते, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते 24,800 फिर 25,000 पॉसिबल है। कोई बात नहीं, आप इसको इन्जॉय कराएंगे, मेरे को एक दो काम है इसलिए छुट्टी ली थी, वो निपटाने हैं, ठीक है, काम भी जरूरी है, लेकिन मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, मोमेंटम आ रहा है इसमें, करीब करीब 5577 इस वक्त। अच्छा, एक बार निफ्टी CPSE इंडेक्स लेके आइएगा और पूरा का पूरा PSU बैंकिंग, ये PSU बास्केट देखते हैं। लेट्स ब्रिंग कोल इंडिया, कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, अभी अभी इसमें एक ब्रेकआउट आया और ये 20 EMA को रिगेन कर रहा है। मानस, ये एक पुलबैक ट्रेड होगा जिसकी मैं आई थिंक यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, इवन आई थिंक 7 अगस्त तक का इसका मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद फिजल आउट हो गया। अब 20 EMA को जब क्रॉस कर रहा है, और मैं पूरे PSU बास्केट की बात कर रहा हूँ, उसमें कोल इंडिया की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है इस वक्त? तो देखिए, कोल इंडिया ने 20-day मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, कुछ सेकंडों पहले 20-day मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, 50-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो वापस जो हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस रेंज है 530 से 540, उस रेंज को फिर से चैलेंज करने की कोशिश करेगा स्टॉक। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है केवल बाउंस बैक के लिए, 504 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 530 से 535 के टारगेट सेट करिए, वहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट कई PSU स्टॉक्स है जिनमें एक्शन बनता दिखाई दिया है, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल अमरीश को जोड़ लेते हैं। अमरीश, आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड क्या रहेगा, क्या पसंद है आपको? गुड आफ्टरनून हर्षिता, मेरा इस वक्त का ट्रेड है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, KIMS जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ ग्रुप्स इन AP, तेलंगाना और महाराष्ट्र, करीब 12 हॉस्पिटल है उनके। KIMS प्रोवाइड करती है मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज विद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर। करीब 4000 प्लस का बेड कैपेसिटी है, 1600 डॉक्टर्स हैं उनके, और इनका जो ग्रोथ हुआ है अभी तक, इट्स बीन थ्रू मल्टीपल एक्विजिशंस, और अभी काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, 2000 प्लस का केपेक्स कर रहे हैं, 5 ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल्स इन लोग सेटअप कर रहे हैं, 4 एक्सपेंशंस कर रहे हैं ऑफ द करंट फैसिलिटीज, करीब 2400 बेड्स और भी ऐड कर रहे हैं, सो नियरली 50-60% कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। और इस कंपनी का ROCE भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है, 30% का रहा है, नेट डेट टू इक्विटी इज लो एट 0.75, और जो Q1 के अर्निंग्स थे वो भी काफ़ी रोबस्ट थे, अबाउट 14% रेवेन्यू ग्रोथ, क्वार्टरली एबिटा भी 14% इंक्रीज किया, एबिटा मार्जिन है अबाउट 26%। तो यहाँ जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 58 का है फॉर FY26, और मेरा टारगेट प्राइस बनता है 2725, विच इज स्टिल अ डिस्काउंट टू द पीयर्स इन द सेक्टर।